बलरामपुर से खबर है जहां दोहरे हत्याकांड के मामले में एसआईटी की टीम पहुंच गई जांच करने। 9 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। 27 मई को जंगल में लाश मिली थी। बजरंग दल के नेता सुजीत और किरण की लाश मिलने के बाद इस मामले के लिए एक एसआईटी गठित हुई है। आज दोहरे हत्याकांड की छानबीन के लिए एसआईटी 9 सदस्यीय टीम है जो पड़ताल करने पहुंची है। मौके पर जाकर उन्होंने सारी चीजों को समझा है। 27 मई को जंगल में लाश मिली थी। बजरंग दल के नेता सुजीत और एक महिला की लाश थी। हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी अरुण, बताएं इस वक्त तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एसआईटी पहुंची है, टीम पहुंची है। ये देखिए, 27 मई को डुमरखी के पास जो कोतवाली थाना क्षेत्र का जंगल है डुमरखी, वहां पर सुजीत स्वर्णकार जो बजरंग दल के नेता थे और किरण काशी जो शादीशुदा महिला थी, इन दोनों की लाश मिली थी। और उसके बाद काफी विवाद गहराया था और काफी प्रदर्शन भी हुए थे, हत्या की आशंका जताई जा रही थी। इस दौरान पुलिस की टीम ने जो जांच विवेचना की उसमें यह पता चला था कि करंट लगने से इन दोनों की मौत हुई थी और पुलिस ने 3 लोगों को फिर हिरासत में भी लिया था। उसके बाद पुलिस की टीम ने की जो इस कार्रवाई थी उस पर सवाल खड़े हो रहे थे, परिजन काफी नाराज थे, बजरंग दल के नेता ने भी प्रदर्शन किया था। उसके बाद जो कृषि मंत्री है छत्तीसगढ़ के रामविचार नेताम, उन्होंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखा था और एसआईटी जांच की मांग की थी, एसआईटी की मांग की थी। और आज एसआईटी की 9 सदस्यीय जो टीम है वो बलरामपुर पहुंची हुई है। जो उनकी पूरी टीम है उन्होंने मौके का मुआयना किया है। जो पुलिस की टीम है जो जो इस मामले में विवेचना कर रहे थे उनसे पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले को देखा जा रहा है। साथ ही साथ हर उस जगह को देखा जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं कि आखिर क्या क्या घटना हुआ था। और इस मामले में पुलिस की टीम जो कोतवाली की टीम ने जो जांच किया था उस पर भी उसे भी एसआईटी की टीम देख रही है फिलहाल। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एसआईटी की टीम जिसकी मांग की गई थी वो एसआईटी की टीम पहुंची है और पड़ताल कर रही है कि बजरंग दल के नेता और महिला की जो जंगल में लाश मिली थी इसके पीछे क्या तथ्य हैं, क्या फैक्ट्स हैं। फिलहाल जांच शुरू हो गई है, छानबीन शुरू हो गई। दोहरे हत्याकांड के मामले में ये पुलिस पड़ताल, ये एसआईटी की पड़ताल शुरू है।